हेलो मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपके लिए 2024 में ऐसा नया ट्रैक्टर लेके आए हैं 45 HP में, 3 सिलेंडर, तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे कि ऑन रोड प्राइस आपको कितने रुपए में मिलने वाला है, क्योंकि जो 23 तो निकल गया है, अब जो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह बनेंगे और 2024 के बनेंगे सब कुछ, तो 2024 में इसके क्या कुछ प्राइस होने वाले हैं, तो फुल डिटेल में बात करने वाले हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि मेरे किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं इसमें चौकोर टाइप की लाइटें दी गई हैं, जिनका काफ़ी अच्छा उजाला होता है रात में। जैसे मेरे किसान भाई खेती बाड़ी का काम करते हैं या रात में कोई भी काम करते हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा प्रकाश होता है, जिससे मेरे किसान भाई आराम से काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाली वगैरह लगाई गई हैं, जिनसे क्या होता है कि जो हवा जाती है, ट्रैक्टर एक स्वच्छ हवा लेता है, इनके थ्रू ले लेता है, इनसे कचड़ा वगैरह भी ट्रैक्टर तक नहीं पहुँचता है, ट्रैक्टर के इंजन तक। तो इसलिए ये जाली लगाई जाती हैं, जो मोटे मोटे कड़ होते हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं। और जो इसकी बैजिंग दी गई है, न्यू ग्राफिक्स के साथ ट्रैक्टर लॉन्च किया है कंपनी ने, यहाँ पर आइसर, यहाँ पर 485 5-स्टार पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोमेटिक डुअल क्लच के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिलने वाला है, और साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स में। तो इसको खोल के भी दिखाते हैं। जैसे कि आगे का बोनट खोलने के लिए आपको सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, तब जाके आपका आगे का बोनट ओपन होगा। थोड़ा आगे का बोनट ओपन करो, उठाओ, रुको रुको, इस साइड से इसको नीचे करें। तो इसको नीचे कर देते हैं, तो इस तरह से बोनट ओपन हो जाता है। वो हटा जो, वो इस तरह से बोनट ओपन हो जाता है, और इसमें एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है। जो इसमें रेगुलेटर वगैरह आते थे, इस ट्रैक्टर में आपको वो नहीं मिलने वाले हैं। आप ये भी कह सकते हैं मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर को, कि जो आइसर कंपनी के ट्रैक्टर है, एक खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंजन बनाई हुई है। जैसे कि मेरे किसान भाइयों, आपने देखे होंगे आइसर कंपनी का और भी ट्रैक्टर है, उसमें रेगुलेटर वगैरह दिया जाता है, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको रेगुलेटर नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आपको इसमें 3 पंखे दिए गए हैं इंजन को ठंडा करने के लिए, जी हवा वाले पंखे हैं, इनमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रैक्टर के साथ साथ चलते हैं। ये आइसर कंपनी का खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें किसी भी तरह का कहीं से भी सपोर्ट नहीं लिया गया है। और यहाँ पर एयर क्लीनर दिया गया है, जिसमें जो सांस वगैरह लेता है ट्रैक्टर, यानी कि मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, जो सांस वगैरह लेता है तो यहाँ से लेता है। अगर इसमें मिट्टी वगैरह भी चली जाती है, तो यहाँ का यहाँ साइड में नीचे ऑयल डलता है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ भी है, तो ऑयल डलता है नीचे इस वाले ढक्कन में, जिसमें धूल के कण वगैरह आ जाते हैं, वो नीचे रोक लेते हैं। तो इससे एक स्वच्छ हवा इन पंखों तक, यानी कि इंजन तक जाती है। इंजन सीसी के बारे में बात कर लेते हैं, तो 2945 सीसी का इसमें इंजन मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा इसमें एयर कूल्ड इंजन भी मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। यहाँ पर इंजन स्टार्ट करने की मोटर वगैरह भी दी गई है, और इसमें अलग से एक पंप दिया गया है, जैसे कि आगे पावर स्टीयरिंग का और हाइड्रोलिक पंप दोनों अलग अलग दिए गए हैं। इनसे क्या होता है कि जैसे मेरे किसान भाइयों, इसमें आगे इस पावर स्टीयरिंग में ख़राबी आती है या हाइड्रोलिक पंप में ख़राबी आती है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से आप सुधरा सकते हैं, यानी कि इसको अलग भी सुधरा सकते हैं, उसको अलग भी सुधरवा सकते हैं, इनमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैसे कि ये बम्पर देख रहे हैं, हाई वेट के साथ इसमें बम्पर दिया गया है, काफ़ी अच्छा वजन मिल जाता है, जिससे ट्रैक्टर आगे से बिल्कुल भी नहीं उठेगा। आप भारी से भारी लोड में ट्राली या वगैरह और भी कुछ उपकरण चला सकते हैं, आपका ट्रैक्टर आगे से बिल्कुल भी नहीं उठेगा। एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, तो माँ वैष्णो ट्रैक्टर छतरपुर मध्य प्रदेश में, ये मोबाइल नंबर दिया गया है यहाँ पर, तो इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके आइसर कंपनी के किसी भी ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आगे टायर साइज की बात करें, तो काफ़ी अच्छे आगे साइड भी आपको टायर मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर साइज लिखा हुआ है, 6/16 के आगे टायर दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा टायर साइज आगे भी मिल जाता है। और जो आपको ये पंप मिलने वाला है, 3 सिलेंडर इनलाइन पंप दिया गया है इस ट्रैक्टर में,
बॉस कंपनी का, जो कि आपने देखे होंगे सभी ट्रैक्टरों में बॉस ही कंपनी के पंप आते हैं, वो ही पंप इसमें भी यूज किया गया है। और यहाँ पर एक वाटर सेपरेट फिल्टर भी दिया गया है इस ट्रैक्टर में, जैसे कि अगर आपके फ्यूल टैंक में कभी पानी वगैरह भी बनता है तो सेफ्टी के लिए आपको वाटर सेपरेट फिल्टर भी मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपके फ्यूल टैंक में कभी पानी बनता है तो नीचे से खोल दीजिए तो आपका सारा पानी निकल जाएगा और डीजल डीजल इसमें रह जाएगा, तो आप इसको बंद कर दीजिए। तो कंपनी ने इसको देखते हुए काफ़ी सावधानी से ट्रैक्टर का निर्माण किया है। और कि आप साइलेंसर देख रहे हैं, कवरिंग के साथ इसमें साइलेंसर दिया गया है। क्या होता है कि जो पुराने ट्रैक्टर आते थे वो प्लेन साइलेंसर मिलता था उनमें, तो उनमें हाथ वगैरह जल जाते थे मेरे किसान भाइयों के, लेकिन इस ट्रैक्टर में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कवर दिया गया है, जिससे क्या होता है कि अगर किसान भाई धो के धड़ाके से इसको टच भी कर लेते हैं, हाथ भी रख देते हैं, तो आपका हाथ बिल्कुल भी जलेगा नहीं क्योंकि इसमें कवरिंग के साथ साइलेंसर मिलने वाला है। और यहाँ पर तीन सिलेंडर की तीनों पिस्टन दिए गए हैं, जैसे कि एक पिस्टन ए, एक पिस्टन ए, एक पिस्टन, यहाँ पर तीनों पिस्टन दी गई हैं। ये तीनों धुएं वाले सिस्टम दिए गए हैं, यहाँ से भी धुआं निकलेगा, यहाँ से भी धुआं निकलेगा, यहाँ से वो एक इस साथ इसमें चला जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जो ये वाला लाइन देख रहे हैं, जी एक ए वाली लाइन और एक ए वाली लाइन, इनमें डीजल वगैरह जाता है इंजन में, और फायर वगैरह के लिए यहाँ पर उस साइड लाइट का सिस्टम दिया गया है, तो इससे फायर वगैरह होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जिससे पिस्टन घूमते हैं, तो इस प्रकार का आपको इंजन मिल जाता है। और यहाँ पर 485 फाइव स्टार की बैरिंग मिल जाती है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है वो आपको लगभग 50 लीटर के आसपास मिलने वाली है, मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन हाँ 50 लीटर के आसपास इसकी फ्यूल टैंक दी गई है। और यहाँ पर इसमें ड्यूल क्लच की बैरिंग मिल जाती है। जैसे कि ड्यूल क्लच का क्या मतलब होता है कि अगर आप PTU वगैरह चलाते हैं, जैसे कि थ्रेसिंग वगैरह चलाते हैं या और भी कोई एम्प्लीमेंट चलाते हैं PTU के थ्रू, तो इसमें आपको क्लच दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ड्यूल क्लच का मतलब यह रहता है, जैसे कि लीवर दिया गया है, PTU पावर इसमें आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, 38 HP की PTU पावर मिल जाती है इस ट्रैक्टर में आपको। पीछे टायर साइज की बात कर लें तो सीएट कंपनी के पीछे भी टायर दिए गए हैं, जिनका साइज दिया गया है 14x28 के, तो पीछे भी काफ़ी अच्छे इनमें टायर मिल जाते हैं, जो मोटी ग्रिप के साथ इसमें टायर मिलने वाले हैं, जिससे मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को कड़ी या कड़ी से जुताई कर लेते हैं या कहीं पर भी चलाते हैं हाई लोड में, हैवी लोड में, तो आपका ट्रैक्टर स्लिप नहीं होगा क्योंकि इनमें टायर साइज बहुत अच्छे दिए गए हैं 45 HP कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर आइसर की बैजिंग मिल जाती है। और जो लिफ्ट क्षमता दी गई है इस ट्रैक्टर में आपको 16 क्विंटल 50 kg की दी गई है, यानी कि 16.5 क्विंटल की इसमें लिफ्ट क्षमता मिल जाती है मेरे किसान भाइयों को। और मैंने बाकी PTU पावर आपको बता ही दी है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों साइड इसमें PTU मिलने वाली है मेरे किसान भाइयों को। और यहाँ पर इसमें सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है, अगर आप इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगवाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा, उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, कोई 5-7 हज़ार रुपये खर्चा आता है। उससे क्या होता है कि आप डबल जैक वाली ट्राली वगैरह भी चला सकते हैं, पल्टी प्लाऊ वगैरह भी चला सकते हैं, जैसे मेरे किसान भाइयों को चलाना होता है तो वो आराम से लगवा सकते हैं। और जो सिंगल जैक वाली ट्राली रहती है वो AC से काम करती रहती है आराम से। और इसकी 3 लेयर में जुताई वगैरह भी होती है, सेंसर दिया गया है यहाँ पर, तो सेंसर के थ्रू इसकी जुताई वगैरह भी होती है। जैसे कि ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो आप इसको ऊपर लगाइए, और नॉर्मल मिट्टी है तो बीच में लगाइए, उससे भी नॉर्मल है तो नीचे लगाइए, इस प्रकार से इसकी जुताई वगैरह भी कर सकते हैं। और ट्राली वगैरह में ले जाने के लिए यहाँ पर लाइट का सॉकेट दिया गया है, जैसे ट्राली वगैरह में लाइट वगैरह ले जानी है तो यहाँ पर सॉकेट दिया गया है, इसके थ्रू आप ट्राली में लाइट वगैरह भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे किसान भाई वाटर भी रख सकते हैं पानी की। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, रात के समय जैसे उजीला करता है सेफ्टी के लिए। एक लाइट आपको हेलोजन पीछे भी मिल जाती है, जिससे जुताई वगैरह या और भी काम करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है इस लाइट की, तो पीछे भी आपको एक लाइट मिल जाती है। यहाँ पर 485 की बैजिंग मिल जाती है, एक टेन लाइट के साथ इंडिकेटर जुड़ा हुआ है आपका। और इस साइड भी देख लीजिए, यहाँ पर साइड में इसकी बैटरी शिफ्ट की गई है, जिससे क्या होता है कि बैटरी का तेल वगैरह भी कभी गिरता है तो वो नीचे गिरेगा, ट्रैक्टर पर नहीं गिरेगा, तो ट्रैक्टर सेफ्टी से रहेगा, और जो इसका बैटरी का तेल है वो नीचे गिरता रहेगा, तो आपको इसमें कोई भी नुकसान नहीं होंगे।
ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए मेरे किसान भाइयों को यहाँ पर जीने दिए गए हैं, तो आराम से चढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इसका प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो काफ़ी कंफर्टेबल इसमें बैठने में भी फील करेंगे मेरे किसान भाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। जो ब्रेक दिए गए हैं पावर ब्रेक मिलने वाली है, मल्टी डिस्क दिए गए हैं ऑयल में डूबे हुए, जिनसे क्या होता है कि अगर आप जहाँ पर ब्रेक लगाते हैं तो वहीं पर आपका ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, काफ़ी अच्छी इनकी कंट्रोलिंग रहती है और एक लंबे समय के लिए ब्रेक हो जाते हैं, इनमें जल्दी ख़राबी नहीं आती है। और जो स्टेयरिंग दिए देख पा रहे हैं, इसमें कार जैसी स्टेयरिंग दी गई है, तो बहुत अच्छी इसकी स्टेयरिंग वगैरह भी मिल जाती है। और ये डैशबोर्ड दिया गया है, तो डैशबोर्ड भी आप चेक कर लीजिए, कुछ इस तरह का इसमें डैशबोर्ड मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर टाइम वगैरह भी शो करता है और यहाँ पर RPM वगैरह भी शो करता है। तो जो आपको ट्रैक्टर की रेटेड RPM मिलने वाली है वो 2145 रेटेड RPM पर पूरी तरह से ट्रैक्टर अपनी 45 HP निकाल के देगा, तो काफ़ी अच्छी इसकी रेटेड RPM वगैरह भी मिल जाती है। और यहाँ पर ये फ्यूल शो करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी शो करेगा कि आपका ट्रैक्टर गर्म वगैरह तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं कि आपको कौन सी लाइट जलानी है आगे वाली, तो यहाँ से अपनी लाइट भी जला सकते हैं। और इसकी जो चाबी का ऑप्शन दिया गया है वो सेंट्रल में मिलने वाला है, यानी कि बीच में, और इसी के नीचे आप बंद कर सकते हैं। जो रेड वाला स्विच दिया गया है इससे आप बंद कर सकते हैं ट्रैक्टर को, और यहाँ से हॉर्न बजा सकते हैं, तो ये हॉर्न के लिए बटन दिया गया है। और एक मिरर भी मिल जाता है इस ट्रैक्टर में यहाँ पर, जिससे आप पीछे वगैरह का देख सकते हैं आराम से। ट्राली वगैरह में चलाते हैं तो इससे साइड वगैरह का पीछे का पूरा देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके गियर के बारे में। तो जो ये लेफ्ट में आपको लीवर मिलने वाला है, आपको ये हाई लो के लिए लीवर मिलेगा, और जो आपको राइट में लीवर मिलने वाला है ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए लीवर मिलेगा, यानी कि इसमें 4 फॉरवर्ड में गियर मिलने वाले हैं, 1 रिवर्स में गियर मिलने वाला है इस वाले लीवर में। जैसे कि मैं आपको गियर समझा दूँ, तो आप इसमें लो गियर लगाते हैं तो आपके 4 गियर इसके लो में भी जाएंगे और 1 रिवर्स में जाएगा, और आप अगर इसको हाई करते हैं इस वाले लीवर को तो आपके 4 गियर इसमें हाई में भी जाएंगे और 1 रिवर्स में भी जाएगा, तो टोटल इसमें 10 गियर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे मेरे किसान भाइयों को इसमें गियर वगैरह भी मिल जाते हैं। बाकी मैंने PTO के लिए बता ही दिया है कि ये वाला लीवर PTO के लिए दिया गया है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ की आप PTO चला सकते हैं। और एक बॉक्स इसमें यहाँ पर भी मिल जाता है जिसमें आप मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, तो कंपनी ने देखते हुए काफ़ी अच्छा ये भी ऐड कर दिया गया अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। क्या होता था कि मेरे किसान भाई लगातार ट्रैक्टर चलाते थे तो उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता था, तो वो उन्हें घर वगैरह जाना पड़ता था मोबाइल चार्ज करने के लिए, लेकिन कंपनी ने देखते हुए इसमें चार्जिंग पॉइंट भी दे दिया है, जिससे मेरे किसान भाई अपना मोबाइल वगैरह भी इसी ट्रैक्टर के पास चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह इसके कल्टीवेटर के कंट्रोल दिए गए हैं, तो यहाँ से अपना कल्टीवेटर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और जो आप ये मडघाट देख रहे हैं, काफ़ी लंबे चौड़े इसमें मडघाट दिए गए हैं, इनसे क्या होता है कि आप इसमें बोरी वगैरह रख सकते हैं, खाद बीज की 1-2 बोरी आराम से रख सकते हैं इस साइड, 1-2 बोरी इस साइड भी रख सकते हैं, और बैठ भी सकते हैं मेरे किसान भाई। काफ़ी अच्छा इस ट्रैक्टर में आपको स्पेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के माइलेज के, क्योंकि 45 HP का ट्रैक्टर है, तो इसका माइलेज भी देख लेते हैं कि क्या कुछ इसका माइलेज मिलने वाला है। ऐसे मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को ट्राली वगैरह में चलाते हैं रोड पर, तो रोड पर इसका काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने वाला है। रोड पर आपको 1 लीटर में 8 से 10 किलोमीटर का माइलेज देगा, यानी कि 1 घंटे में वो 2 से 2.5 लीटर तेल खाएगा। और आप इसको जुताई वगैरह में चलाते हैं तो जुताई में और अच्छा इसका माइलेज मिलने वाला है। जुताई में ये ट्रैक्टर आपको 3.5 से 4 लीटर के आसपास डीजल खपत करेगा और एक काफ़ी अच्छी जुताई करके देगा, यानी कि कड़ी से कड़ी मिट्टी भी इस ट्रैक्टर से आप जोत सकते हैं, काफ़ी अच्छी जुताई मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। और इसी तरह से रहता है थ्रेसिंग वगैरह का भी, कि थ्रेसिंग वगैरह में फसल पर डिपेंड करता है कि फसल गीली तो नहीं है, सूखी है तो कम तेल खाएगा, अगर आपकी फसल गीली है, नमी टाइप की है अगर आपकी फसल में, तो आपका ट्रैक्टर ज़्यादा तेल खाएगा। तो इस प्रकार से माइलेज मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में कि 2024 में इसकी क्या प्राइस होने वाली है। तो मेरे किसान भाइयों आपको ये प्राइस में मिलने वाला है
7 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। अगर आप यूपी से लेते हैं तो आपको और प्राइस देखने को मिलेगी, अगर आप एमपी में लेते हैं तो आपको और प्राइस देखने को मिलेगी, अगर आप किसी भी स्टेट से लेते हैं तो आपको वहाँ की अलग प्राइस देखने को मिल जाती है। डाउन पेमेंट के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो जैसे आप अदर ये ट्रैक्टर ख़रीदते हैं तो आपको लगभग 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना होगा। बाकी आप अपने हिसाब से इसकी ईएमआई रख सकते हैं कि आपको कितने साल के लिए फाइनेंस कराना है और कितने रुपए की ईएमआई देनी है, तो अपने हिसाब से करवा सकते हैं। और वेट के बारे में बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के, तो टोटल वेट आपको लगभग 21 क्विंटल के आसपास मिलने वाला है। तो मेरे किसान भाइयों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को बाय।